मतलब इवन आज हम जानेंगे कि हिंदी क्राफ्ट के थ्रू आप 40 to 50,000 इनकम कैसे इजीली कमा सकते हैं। आप बाजार में जाते होंगे स्वीट वगैरह लेने के लिए, तो एक स्वीट बॉक्स मिलता होगा ढाई का डब्बा चले थे, उसे बनाना कैसे वो भी हाथ के थ्रू इजीली घर पर बैठे। इसमें आप अपना दिन के होते हैं कि हाँ भी 4 to 5 hours होते हैं, या फिर एक महिला के पास का टाइम होता है, ना वो घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं और आप इजीली 40,000 या तो अपनी इनकम कमा सकते हैं। एक स्वीट बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो होता है वो चीज़ है गत्ता, उसके साथ उसके ऊपर चिपकाने के लिए लेबल यानी कि कागज, यानी केवल और केवल आपको मेन दो चीज़ों की जरूरत होती है, पहला एक गत्ता और दूसरा एक कागज। जो आपका इनकी जो कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 7 rupees आती है, मतलब एक डब्बा कह सकते 1 kilo का डब्बा दे दो मुझे, 1 kilo मिठाई दे दो, उस डब्बे की कॉस्ट 7 rupees आती है। और जो मार्केट है वो सेल आउट होता है वो 8 rupees होता है, यानी कि पर बॉक्स आपको 1 rupees का मार्जिन मिलता है। आप उसकी क्लासीफाई कर लो, पहले वो रॉ मटेरियल आगे चलता है, उससे पहले मैंने आपको बताया पहले कितना अच्छी होता है, सेकेंड उसको चिपकाने के लिए गोंद जो कि घर में ही बन जाती है, आपको बाहर से आने जरूरत नहीं होती, और तीसरा आपको लेबल, और चौथा उसे बनाने वाले यानी कि जो खुद बैठ के चिपका सके उन चीज़ों को। जो गोंद होती है आपकी आप घर पे मैदा उसको उबाल के उसके अंदर एक नियत होता होता है डालना होता है ताकि जो गत्ता है उसको चूहे वगैरह ना काटे। आप वो गत्ता लेना है, गत्ते को रखना है लेबल के ऊपर और फिर चिपका देना, दैट्स इट। आप गत्ता लेने जाओगे तो आपको इजीली मार्केट अवेलेबल हो जाता है, डीलर्स होते हैं जैसे नजफगढ़ के अंदर, बाकी हम नजफगढ़ के काम करते हैं तो आपको जो डीलर्स हैं यहाँ पे, या तो आपको चावला जाना पड़ेगा यानी कि मैं वहाँ पे क्या मोदी नगर या तो उत्तम नगर से यहाँ के डीलर्स हैं, तो आपके जो लेबल है लेबल के दो डीलर हैं, एक तो आपका मोती नगर में और एक और है जो कि दिल्ली के अंदर ही काम करते हैं, केवल दो डीलर है जो कि लेबल के काम करते हैं। लेबल दो टाइप का होता है आपका, पहला लेबल जो होता है जो आपका प्रिंटेड होता है, इसमें नाम लिखा होता है, नाम लिखा होता है मतलब उन्हीं का होता है वो लेबल, और दूसरा जो होता है अनप्रिंटेड होता है यानी जो लोकल होता है, जो लोकल मार्केट जाते हो आपके डब्बा उस पर नाम प्रिंट नहीं होता उसका, जैसे कि एक सैंपल लिखा था आपको, ये जो है ये लोकल है प्रिंटेड नहीं है, तो ये आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन जो प्रिंटेड होता है उसके लिए 8,000 प्रिंट आते हैं एक साथ, यानी कि जो लेबल है ये इसमें जो लेबल चिपका हुआ है इसका 8,000 प्रिंट आते हैं। उसमें दो कैटेगरी होती है, एक नीचे का उसे पहनने कहते हैं ऊपर का ढक्कन, और एक इधर डोरी जो लोकल में चलती है, यानी आपको गत्ता चाहिए जो ये है उसके ऊपर ये पट्टी और उसके ऊपर फिर ये, यानी कि पूरा डब्बा आपको इजीली दिया। अब जो मेन बात ये होती है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर बजटेड कॉस्ट कितनी है और साथ ही साथ बजटेड प्रॉफिट कितना है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। जब आपकी कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली पहले होता है आपकी रेंट, अगर आप रेंट पर लेते हो किराए की जगह तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5,000 के आसपास रेंट आपका बैठता है एक जगह लेने के अंदर, साथ ही साथ अगर आप खुद काम कर लीजिए या फिर किसी लेबर को यानी स्किल्ड लेबर जो जानते हो काम करना उसको रख लीजिए, एक स्किल लेबर आपको चाहिए और उसके बाद रॉ मटेरियल, यानी एक रेंट का खर्चा आप लगा 4,000 rupees खर्चा है, उसके बाद आपका गत्ते की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और साथ के साथ लेबल की कॉस्ट, उसको ऐड करके 1 kilo का जो डब्बा जाता है 7 rupees का डब्बा जाता है, और उसके ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 10% मार्जिन होता ही होता है, यानी कि 7 rupees का डब्बा मिनिमम 70 paisa मार्जिन होता है। तो अगर आप एक दिन का 1,000 डब्बा भी सेल आउट कर पा रहे हैं ईजी टू ईजी सेल हो रहा था आपके साथ डब्बा, आप कहीं जाओगे उन सब कि हम ऐसा काम कर रहे हैं और हम आपको पार्टी बनाना चाहते हैं अपनी, तो वो ले लेते हैं, आपको 10 to 15 पार्टी पकड़नी है उसके अंदर आपको दिन का 1,000 डब्बा निकल जाएगा, तो महीने का आपका 30,000 बॉक्स हो गए और पर बॉक्स 1 rupee का मार्जिन मिलता है, यानी जो आपकी इनकम आ रही है 30,000 rupees हो रही है, उस 30,000 इंक्लूसिव उसके अंदर सब कि आपके जो 7 rupees तो कॉस्ट आइटम पे उसमें आपका रेंट भी इंक्लूड है, साथ के साथ आपको रॉ मटेरियल भी इंक्लूड है, उसके साथ साथ आपका किराया भी इंक्लूड है, कैरेज साथ के साथ लेबर की कॉस्ट भी इंक्लूड है, यानी कि आप ईजिली 30,000 की इनकम कमा पाते हैं। और आप इस वीडियो में देख लेना है कि उस बॉक्सेस को बनाया कैसे जाता है, हम आपको लेबल की दिखा देंगे कि लेबल कैसे होते हैं, प्रिंट लेबल कैसा होता है और आपका लोकल लेबल कैसा होता है और साथ के साथ उसकी मेकिंग कैसे होती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अपना ये ब्रश है, ब्रश चला रहे हैं उसके ऊपर लही लगा रहे हैं और फिर गत्ते को लेके उसे चिपकाना है और खाली फोल्ड करके ऊपर आपका ऊपर का ढक्कन तैयार।
हम देखते हैं पैंदा कैसे बनता है नीचे का इसका बेस। बेस के लिए फिर सेम गत्ता आपका और उसके ऊपर ये पट्टी चढ़ दो। इन अब गत्ते को कवर करना होता है ताकि गत्ता ऐसे दे सकते आप उसे गत्ते को कवर करना होता है बनाना पड़ता है पूरे डब्बा। ये हमारा पैंदा बन चुका है वहाँ ढकना और देना वहाँ देख पाएंगे कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ बंद किया जा रहा है और फिर डब्बा बनकर तैयार।